कंप्यूटर साइंस का ही है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, जैसे हम इंटरनेट में यूज़ करते हैं, कई बार वायरस आ जाते हैं या कोई हमारी ईमेल को हैक कर लेता है, यानी कि किसी भी तरीके का, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमारी प्रोग्राम्स को हैक कर लिया, हमारी सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड साइबर, यानी कि सिक्योरिटी। उस चीज़ में हम सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, या कोई जो बाहर में जो टेररिज्म होते हैं आजकल, जिनको जो यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करते होते हैं, ठीक है, उस डिटेल में मैम आपको आज समझाएंगे। एक्जैक्टली, एब्सोल्युटली मैम ने काफ़ी आपको अच्छे से ब्रीफ नॉलेज दी रिगार्डिंग लेके साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर टेररिज्म क्या चीज है, और आज हमें इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होनी जरूरी है। बिकॉज अब मैं आपको बताऊँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइबर, साइबर क्या है, या आज हम साइबर इज लाइक जितने भी आपके डिवाइसेस, या जितने भी आप डिवाइसेस डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्पेसिफिकली विच आर रिलेटेड विद द इंटरनेट, ये कनेक्शन बिल्डअप है इंटरनेट, उस चीज़ को साइबर बोला जाता है सिंपल भाषा में। एंड सिक्योरिटी, वी ऑलरेडी नो कि विच प्रोवाइड्स द फुली सिक्योरिटी रिगार्डिंग द इंटरनेट थिंग्स, ठीक है। अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं, आपका मोबाइल फोन है या आपके घर में लैपटॉप है या कंप्यूटर है, आप लोगों को लगता है इज़ इट सेफ, इज़ इट सेफ, या आप लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक पे यूज करते होंगे। देखो मेरे को ना थोड़ा प्रॉपरली आंसर ही बोल करते हैं ना, वो कनेक्शन बिल्ड होता है, फिर बताने में और समझाने में थोड़ा अच्छा फील होता है। तो मतलब आप जो है, हम लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ऐसे सोशल साइट्स को रेगुलरली यूज करते हैं ना, तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो सेफ है? जब हमें पता है ये सेफ नहीं है, स्टिल वी आर यूजिंग, बिकॉज हम लोग सोशल साइट्स के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, हमें सोशल एक्टिविटीज के बारे में नॉलेज होनी भी उतनी मस्त है, इसलिए हम ये सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन आपको पता है इसके साथ साथ आप लोगों को कितना कुछ इन द फ्यूचर झेलना भी पड़ सकता है, और वो ना झेलना पड़े इसलिए वो सिक्योरिटी है, और वो सिक्योरिटी होनी उतनी इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं बोलूँ आप लोगों का मोबाइल फोन इस टाइम पर, अगर उस पर अगर वो सिर्फ स्विच ऑन है और इंटरनेट चल रहा है, वो तब भी सेफ नहीं है। स्विच ऑन है और इंटरनेट चल रहा है, इट इज नॉट सेफ समवेयर समहाउ। मुझे ये बताओ, कितने बच्चे जो हैं अपने मोबाइल फोन में कुछ भी सर्च करते हैं तो यूजिंग द वॉइस रिकॉग्निशन ही यूज करते हैं ज़्यादातर। हम लोग बोलते हैं ना गूगल पर लीजिए, बोल कर वॉइस रिकॉग्निशन से कोई चीज somehow. मुझे ये बताओ, कितने बच्चे जो हैं अपने मोबाइल फोन में कुछ भी सर्च करते हैं तो यूजिंग द वॉइस रिकॉग्निशन ही यूज करते हैं ज़्यादातर। हम लोग बोलते हैं ना गूगल पर लीजिए, बोल कर वॉइस रिकॉग्निशन से कोई चीज़ को सर्च करते हैं, कितने बच्चे करते हैं ऐसा काम ज़्यादातर? एक, कोई और, दो, तीन, काफ़ी, मतलब हमें पता है ये होता है, वी ऑलरेडी नो। आपको पता है कहीं ना कहीं गूगल असिस्टेंट, आप लोगों ने सीरी सुना होगा, है ना, एप्पल के फोन में सीरी होती है, हे सीरी, राइट, तो वो एक्टिवेट हो जाती है, होता है ऐसा, वो एक्टिवेट होती है, दैट सीरी या गूगल असिस्टेंट आर लिसनिंग यू एवरी टाइम व्हेनेवर योर इंटरनेट इज ऑन। हम लोग खुद उन चीजों को परमिशन देते हैं कि वो हमारी हर चीज को सुने, ठीक है, ये कितने को सिक्योर्ड है, मुझे इस चीज का आंसर किया जाए, नहीं है ना सेफ? आप लोगों को लगता होगा कि व्हाट्सएप पे आज आपने, सपोज मैंने इनके साथ कोई चैट की, राइट, और मैंने उसके बाद आई हैव डिलीटेड दैट चैट, ठीक है, आपको लगता है इज इट सेफ? नहीं है ना सेफ, कुछ भी सेफ नहीं है, नथिंग इज सेफ, क्यों? क्योंकि वो चैट हम दोनों के फोन से डिलीट हुई है, लेकिन व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट नहीं हुई है। जस्ट कीप रिमेम्बर दिस थिंग्स। कितनी आप एक चीज आप लोगों को याद होगी, या कितनी सारी, जब कोई भी चेकिंग होनी शुरू हो जाती है, लास्ट अभी इन द कोविड में भी कुछ एक्ट्रेस के ऊपर, सुकीन एंड हीरोइन के ऊपर हुआ था, है ना, उनकी व्हाट्सएप इतने सालों की पुरानी चैट भी निकल के आ गई है। तो आपको लगता है कि उनके मोबाइल फोन में वो चीजें होंगी? नहीं होंगी ना, वो देखें इजीली थे कि ये तो हमारा है ही नहीं है, लेकिन उन्हीं के फोन से ही था सब कुछ, क्योंकि उनके
सर्वर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जहाँ से डाटा नहीं उड़ाया जा सकता है और वो चीज़ें सेफ नहीं है। अब हम लोगों को पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से भी हो जाती है, जैसे कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के नंबर, हम कितना हमने सुना होगा कि यार उसके कार्ड में से पैसे निकाल लिए गए, होता है ना। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वी आर वेरी यूज टू, हम लोग बहुत यूज टू हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम लोग ऑनलाइन वो चीज़ें, कुछ चीज़ें जितनी एडवांटेजेस हमें दे रही हैं उसके डिसएडवांटेजेस उतनी ही ज़्यादा भी है समहाउ समवेयर, ठीक है। इट इज़ नॉट सेफ एट दैट मोमेंट, जब आप एक बार डाटा फिल करते हो आपको पता भी नहीं होगा कि वो वायरसेस कितने हार्मफुल रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। ये हम डेली अपनी लाइफ में बातें सुनते हैं, एग्जैक्टली सुनते हैं रियल देश की जितने भी वायरस हैं वो क्या काम करते हैं, हमारे सारे डाटा को निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, डाटा चोरी भी होती है, इंफॉर्मेशन चोरी होती है। एंड यू नो ये डाटा और इंफॉर्मेशन चोरी होने पर कितना कुछ लॉस्ट होता है, क्योंकि किसी इंसान के लिए आज के टाइम में पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका डाटा है, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है। आप लोग अपने मोबाइल फोन्स में, कहीं मैंने देखा है कि कहीं आजकल की यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा यूज टू है रील्स पर या इन चीज़ों पर, है ना, हम लोग देखते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, हम इन चीज़ों को देखते हैं तो वो या फोटोज देखते हैं, कितना वो सेफ है, वो सब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कहीं पे भी सेफ नहीं है, किसी भी सर्वर पे सेफ नहीं है। वो आपको अवेयर कराया जा रहा है इन्हीं बातों से कि ये सेफ नहीं है, और अगर स्पोज मान लो, चलो ठीक है, एक पॉइंट में हम ये मान भी लेते हैं कि इन द मीन टाइम हमारे साथ कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हो भी जाते हैं कि कोई पर्सन आपके डाटा को चोरी कर ले, राइट, या कोई फोटो को चोरी कर ले, कुछ भी। आजकल फोटोशॉप पे बहुत कुछ बनाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, तो अगर वो सब चीजें कर लेते हैं स्पोर्ट्स, तो आप लोगों को क्या लगता है कि उस चीज पे आपको क्या करना चाहिए, आप लोगों का फर्स्ट रिएक्शन क्या रहना चाहिए? आपको कोई थ्रेट्स करे, कोई धमक आए रिगार्डिंगली कि ये आपकी फोटो हम वायरल कर देंगे, ये कुछ भी कर देंगे, देन आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, बोलिए, बोलो बोलो, एक्शन लेना चाहिए। आपको उस थ्रेट से डरना नहीं चाहिए, आप लोगों को रिगार्डिंगली उसी टाइम इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ इसके बाद में क्या होगा।